हेलो बच्चों, तो हम जो हैं आज काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई के इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्टडिंग द कॉज बिहाइंड दिस मोशन। सो इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्टडिंग कॉज बिहाइंड द मोशन और द फोर्सेस विच आर ऑपरेटिंग बिहाइंड द मोशन। डायनेमिक्स में हम कॉज पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब काइनेमेटिक्स पे एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब किसी मोशन को देखते हैं, तो ये मान लो ये आप हैं और आप एक ऑब्जर्वर हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को वॉच कर रहे हैं। तो आप एज अ ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को वॉच करते हो, तो आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होगा, है ना, किसके किससे आप टाइम मेजर करोगे। दूसरा बात, कोऑर्डिनेट्स आपको देखने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। इन दो चीजों को मिला करके हम बोलते हैं इन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। इन दो चीजों को मिलाकर के हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आपका देखने का फ्रेम क्या है। ये एक तरीके से टेक्निकल भाषा हो गई। थोड़ा यदि मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, तो मैंने ये एक बड़ी सी कार बना दी, ठीक है। इस कार में आप बैठे हुए हो, ठीक है, और यहां पर मैं खड़ा हुआ आपको जाता हुआ देख रहा हूं, ठीक है। दिस इज योर बिग कार इन विच यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं। ये आप है, मान लो आपका नाम क्यूटी है और इसका नाम स्मार्टी है। क्यूटी और स्मार्टी एक कार में जा रहे हैं और कार वी वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रही है, मीटर पर सेकंड के साथ में, और मैं यहां पर खड़ा हुआ आपके मोशन को देख रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो, स्मार्टी क्यूटी को देख रहा है, क्यूटी स्मार्टी को देख रही है, दोनों एक साथ कार में मूव कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, क्योंकि समय के साथ इनके कोऑर्डिनेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे, जबकि मेरे रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो मेरे रिस्पेक्ट में ये मोशन में, जबकि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करूंगा। यदि मान लो मैं इधर से देख रहा हूं और ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं, तो ग्राउंड फ्रेम से ये दोनों जब देखेंगे तो इनको मोशन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों आगे मूव हो रहे हैं। लेकिन यदि कार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कार के रिस्पेक्ट में दोनों मूव नहीं हो रहे। तो यदि हम इसको कार के रिस्पेक्ट में इनके मोशन को देखते हैं तो ये रेस्ट पे है, लेकिन यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चूंकि आगे बढ़ गए, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनमें मोशन था। तो मोशन और रेस्ट, ये दो शब्द होते हैं जो कि सॉरी मोशन और रेस्ट दो रिलेटिव टर्म्स है। यदि देखें तो इधर क्यूटी और स्मार्टी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहे रेस्ट को, जबकि क्यूटी और स्मार्टी मेरे रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मैं कहां से बैठ करके देख रहा हूं। यदि मान लो मैं अपना नाम बदल के इधर स्मार्टी को खड़ा कर दू और स्मार्टी कार्ट में बैठ के क्यूटी को देख रहा है तो मोशन नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि स्मार्टी को कार से उतार दिया जाए और क्यूटी अकेली कार के अंदर चली जाए
तो फिर क्या होगा, फिर स्मार्टी को क्यूटी अपने से दूर जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। पहले कार के अंदर बैठ के देख रहा था, अब ये कार के बाहर बैठ करके देख रहा है। ठीक, इस पर एक छोटा सा सवाल मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड जरा पानी ले लूं। एक सवाल ले लेते हैं, जैसे मानो कार वाली एग्जांपल को ही लेते हैं और उससे हम एक दूसरे की वेलोसिटी को देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि वेलोसिटी टर्म अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी आप 9th-10th में ये सब पढ़ते हो थोड़ा बहुत, स्पीड वेलोसिटी वगैरह, तो आपको इसका थोड़ा सा ज्ञान तो रहता ही। अब देखो, इसे मान लो बेटा, मैं यहां पर एक कार बना रहा हूं, कार के अंदर ये है, यहां पर बैठे हुए हैं पीपीएस सर, और यहां पर आप समझ गए होंगे कौन बैठी हुई, ये बीपीएस सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बैठी हुई है क्यारा। बाहर जो है कार के क्यूटी खड़ा हुआ है, क्यूटी की जगह कुछ और नाम ले लेते हैं, क्यूटी की जगह मान लो अपन नाम ले लेते हैं वरुण खड़ा हुआ है, हमारी क्लास में वरुण भी है, वरुण खड़ा हुआ है, और यहाँ पर मान लो एक और जने हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास में दिया है, एंड दिया इज मूविंग फॉरवर्ड विथ 1 meter per second इनसाइड द कार, जबकि कार खुद 10 meter per second से आगे की ओर बढ़ रही है, और वरुण जो है वो खुद क्यारा को पसंद करता है और वो उसके पीछे भाग रहा है, और वो भाग रहा है 4 meter per second से। तो क्यारा से दूर जा रही है, वरुण से दूर जा रही है क्यारा, बीपीएस सर और क्यारा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, कायदे से देखिए तो एक ही कार के अंदर है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो उनमें मोशन नहीं है, जबकि दिया जो है वो क्यारा की तरफ बढ़ रही है 1 meter per second से। ठीक है, तो अब यदि किसी ने आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ क्यारा विथ रिस्पेक्ट टू बीपीएस, अब हमें ये देखना पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम क्या लिया है। मान लो रेफरेंस फ्रेम मैंने ग्राउंड लिया है, तो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम लिया है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यारा की स्पीड क्या है, 10, तो ये होगा v क्यारा माइनस v बीपीएस। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यारा की स्पीड 10 है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बीपीएस की स्पीड भी 10 है, तो बराबर क्या आ जाएगा, टकलू। तो वी के बीपीएस क्या हो गया, टकलू आ गया। ठीक है बेटा, अब मानो आप कि मैं रेफरेंस फ्रेम बदल देता हूं, मैं लिखता हूं वी क्यारा बीपीएस और रेफरेंस फ्रेम कार ले लेता हूं, तो जिस स्पीड से कार मूव हो रही है उसी स्पीड से क्यारा मूव हो रही है, तो कायदे की बात है कार के रिस्पेक्ट में क्यारा की स्पीड क्या है, कार के रिस्पेक्ट में क्यारा की स्पीड क्या है, जीरो, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम कार है, तो कार के अंदर बैठी है तो कार के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है ना, और बीपीएस भी कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो भी डिफरेंस क्या है, वो तो वही आएगा, वेलोसिटी ऑफ क्यारा विद रिस्पेक्ट टू बीपीएस इज जीरो, चाहे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड लो और चाहे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार लो, इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार अलग होगी एंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग होगी। ठीक है, अब मान लो मैं देखना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ वरुण विथ रिस्पेक्ट टू क्यारा, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ले, मान लो मैंने ग्राउंड फ्रेम ले लिया, तो ग्राउंड फ्रेम में वरुण की स्पीड कितनी है, दिस इज वी वी माइनस वी क्यारा, वरुण की स्पीड 4 है और क्यारा की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, दोनों एक ही दिशा में मूव हो रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यदि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, तो मेरी मर्जी, मैंने उसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो प्लस 4 से ये आगे की ओर मूव हो रहा है और ये प्लस 10 से आगे की ओर मूव हो रहा है, तो ये 10, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 6,
तो वेलोसिटी ऑफ वरुण विद रिस्पेक्ट टू क्यारा इज माइनस सिक्स, जबकि यदि क्यारा विद रिस्पेक्ट टू वरुण लेता तो 10-4 करता तो प्लस 6 आता। और ये लॉजिकल भी है और ये समझ में भी आता है, क्यों? क्योंकि वरुण क्यारा को किस तरह से जाते हुए देख रहा है, मतलब ये बोले सॉरी वरुण जो है वरुण की स्पीड जो है वो क्यारा के रिस्पेक्ट में कैसी है, इसको ये कहना ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। वरुण की स्पीड क्यारा के रिस्पेक्ट में कैसी है, तो वरुण तो पीछे छूटता जा रहा है ना, वरुण तो पीछे छूटता जा रहा है ना, तो चूंकि वरुण पीछे छूटता जा रहा है इसलिए वो माइनस सिक्स से जा रहा है, जबकि क्यारा वरुण को कैसे देख रही है, वो भी उसको पीछे जाती हुई देख रही है माइनस सिक्स मीटर पर सेकंड से। करेक्ट इतनी बात तुम लोगों? यदि वरुण रेस्ट पे होता तो क्यारा उसको पीछे जाते हुए देखती 10 से, लेकिन वो खुद 4 पे है और एक सेम डायरेक्शन में, तो क्यारा उसको किससे देख रही है, तो क्यारा उसको देख रही है किस स्पीड से जाते हुए, माइनस 6 से, अपने से दूर जाते हुए देख रही है, ठीक है। यदि ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो 14 से देखती है। करेक्ट इतनी बात बेटा, 14 से देखते। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ वरुण विद रिस्पेक्ट टू क्यारा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। पर यदि वेलोसिटी ऑफ वरुण विद रिस्पेक्ट टू क्यारा में लेता तो मैं यहां पे लिखता वी माइनस वी के, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि मैं कार ले लेता, तो कार के रिस्पेक्ट में यदि देखूं तो कार के रिस्पेक्ट में यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने ग्राउंड लिया था। अब कार के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो कार के रिस्पेक्ट में वरुण की स्पीड क्या है, कार के रिस्पेक्ट में वरुण की स्पीड माइनस सिक्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? कार के रिस्पेक्ट में वरुण की स्पीड क्या है, कार के रिस्पेक्ट में वरुण की स्पीड, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कार। तो अब तुम्हारी जो 4 स्पीड है इसको मत ले लेना, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो बात को, क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, इधर वी वरुण जो है 4 रख दे, नहीं भाई वो कार के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना 4 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 से भाग रहा है, कार के रिस्पेक्ट में कैसे भाग रहा है, कार के रिस्पेक्ट में तो 6 से पिछड़ रहा है, तो देयरफॉर दैट बिकम्स माइनस 6। माइनस 11 कितनी है, 0 है, सो दैट बिकम्स माइनस 6। आई सपोज दैट आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में इन सवालों को टैकल कर सकते हो, ठीक है। आसान सा सवाल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस ऐसा सच नहीं था, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक शब्द होता है बेटा मोशन और रेस्ट, एक दूसरे के मतलब मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे हम अर्थ के ऊपर सभी लोग अर्थ पे बैठे हुए हैं, अब अर्थ मूव कर रही है तो कोई स्पेस से हमको देखेगा तो हम सब मोशन करते हुए दिखाई देंगे उसको, जबकि हम जब अर्थ पे ही उसको देख रहे हैं तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव शब्द होते हैं, ठीक है ना। चलो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, दो शब्द ले लेते हैं, एक शब्द है डिस्टेंस और एक शब्द है डिस्प्लेसमेंट। इन दो शब्दों के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो खैर, और बीच बीच में शब्द आ जाएगा मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। जब एक ही एक्सिस पे मोशन होगा तो अपन बोल देंगे 1D में है, एक्स और वाई पे हो जाएगा तो बोल देंगे 2D में है, एक्स वाई जेड तीनों पे हो जाएगा तो बोल देंगे 3D में। ये नॉर्मल बातें सब बच्चों को आती है, फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। अब लेते हैं बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगेन मैं समय खराब नहीं करूंगा, डायरेक्ट कंसेप्ट पे आएंगे, क्या होती है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। मान लो ए है और ये बी है, अब ए और बी के बीच कितनी दूरी है वो डिपेंड करता है कि आपने पाथ कौन सा लिया है। यदि इस पाथ से गए तो ये दूरी है, इस पाथ से गए तो ये दूरी है, इस पाथ से गए तो ये दूरी है, और किसी पाथ से गए तो ये दूरी है, करेक्ट है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ आप चूज कर सकते हो, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंसेस कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली होती है, करेक्ट है बेटा। आई होप सो मैं आपको बात समझा पाया हूँ, ठीक है ना। आप डिस्प्लेसमेंट में एक ही पाथ होता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है ना। यदि यही पाथ उसने फॉलो किया है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, परंतु इसके अलावा यदि कोई पाथ फॉलो किया है तो डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, ठीक है ना। दिस इज दिस,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ गोला बना दिया, ठीक है, और इस ए पॉइंट से आप इस बी पॉइंट पे गए और उसने पूछा बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आप यदि ये एक परफेक्ट स्फीयर है तो आप समझ गए होगे कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, और इधर से इधर तक गया आधा सर्कमफ्रेंस कवर हुआ है, मतलब डिस्टेंस जो होगी वो ऑब्वियस सी बात है वो हो जाएगी 2πr/4 = πr/2, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, यदि डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली है जो कि डायमीटर के बराबर है या 2r, यदि इसको हमने मान लिया ये रेडियस और ये भी रेडियस तो 2r के बराबर हो गई, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यदि मान लो कोई जन ने एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको लगते हैं टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल इज 20 सेकेंड, ही ट्रेवल्स फॉर 140 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कितने सर्कल इसने कंप्लीट किए होंगे, 140/20, उसको और अच्छा ले लेते हैं 150 कर देता हूं, तो 150/20 तो 7.5 चक्कर पूरे किए, एक चक्कर में 2πr तो 7.5 चक्कर में कितना हो जाएगा 2πr/15/2, है ना, दो ने मारा दो, सो दिस इज 15πr, ठीक है ना, 7.5 चक्कर हुए, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से चला अंततः यहां पहुंचा, 7 चक्कर और ये आधा चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2r के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होगा 2r के बराबर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये कमरा है, इस कमरे में इधर कोई दरवाजा वरवाजा अपन बना लेते हैं ओपनिंग टाइप की, है ना, और इस ओपनिंग से एक मार्ट साहब अंदर घुसे, ठीक है, ये कमरे की लेंथ 40 मीटर है, ठीक है, और इधर भी 40 मीटर है, और वो चक्कर मारते हैं इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ठीक है, और उनका जो स्पीड है वो है 1 मीटर/सेकेंड, 1 मीटर/सेकेंड की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहे हैं, और वो लगभग लगभग जो है इस कमरे में 320 सेकेंड्स तक चले, तो बताओ उन्होंने नेट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 320 मीटर ट्रेवल करे होंगे, क्योंकि 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहे थे तो 320 मीटर उन्होंने ट्रेवल किया होगा, तो ये कितना हो गया चार, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, वो 320 सेकंड तक चले तो ऑब्वियसली 320 मीटर हो जाएगी, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा 80 और ये कितना हो गया 160, फिर 80 और फिर 80, 160, तो 320 में उनका नेट डिस्प्लेसमेंट, उनका नेट डिस्टेंस जो उन्होंने कवर करी वो क्या हुआ, इधर चले थे इधर ही, मतलब उन्होंने नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 80 सेकंड में इधर से इधर आए, फिर 80 सेकंड में इधर से इधर गए, फिर 80 सेकंड में इधर आए, फिर 80 सेकंड हो गए, 320 सेकंड पूरे, और उनका नेट, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो आया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज देयर। इसी सवाल को अलग तरीके से भी दे देते हैं, वो बोल देते हैं कि ये 40 मीटर है, 40 मीटर है, ये क्यूबिकल कमरा है जिसकी एक साइड जो है वो कितनी है 40 मीटर की है, कमरे के पूरा चक्कर लगाया और उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया 320, तो बताओ उनका डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो आई सपोज दैट आप समझ जाओगे कि उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना, इसी तरीके से वो भी आपको करना है। चलो, तो ये सवाल जो है एक वैरायटी है सवाल की जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे मैं आपको कुछ सवाल बना देता हूं जिससे आपका समय खराब ना हो, तो इसको एक सेकंड के लिए पॉज कर देते हैं, ठीक है ना, ओके, तो अपन ये सवालों को ले लेते हैं थोड़े से, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले सवाल हैं ये, उसके बाद एक दो बोर्ड और ये वाले सवाल लेंगे, है ना, जैसे मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया आपका समय बचाने के लिए, तो इसमें एक मैन है जो कि टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है 8 किलोमीटर, मतलब यदि ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और इस तरफ वाला वेस्ट हो जाएगा, ठीक, 8 किलोमीटर इधर की ओर जा रहा है, यदि दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, तो 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, उसके बाद में टुवर्ड्स साउथ 4 किलोमीटर गया,
फिर टुवर्ड्स वेस्ट गया 4 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, मतलब 1 किलोमीटर फिर वो टुवर्ड्स नॉर्थ गया, ठीक है ना। वो कह रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आ रहा है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। लाइन सीधी होनी चाहिए। खैर ये 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये भी 4 किलोमीटर। अच्छा ये 1 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये कितना, 3 किलोमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया थीटा, तो 3/4 टेन थीटा इज इक्वल कितना गया 3, मतलब अपन को क्या निकालना था, अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये 3 या 4 पाइथागोरस थ्योरम ये 5 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5, ठीक है। अभी एंगल कितना है, एंगल देखा जाए तो ये एंगल क्या है 3/5, तो ये 37 डिग्री का एंगल हो गया। सो दिस थीटा इज 37 डिग्री, करेक्ट बेटा। ये वाला एंगल आप सबने देखा होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या होता है 37 डिग्री का एंगल होता है। जब ये 4, ये 3, ये 5 होता है तो ये 53 डिग्री का एंगल होता है। ये एंगल फिजिक्स में खूब आने वाला है, ठीक है ना। सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे 37 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको लिखना कैसे, उसको लिखना है 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ईस्ट में गया, ईस्ट के साउथ में गया, ईस्ट के साउथ में गया 37 डिग्री। 37 डिग्री किसके रिस्पेक्ट में, ईस्ट के रिस्पेक्ट में, तो ईस्ट के साउथ में गया 5 मीटर 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ 5 मीटर्स, दिस इज दी 5 किलोमीटर्स, दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट दे रहा है, इनिशियल कोऑर्डिनेट दे रहा है किसी के 20.0 और फाइनल कोऑर्डिनेट दे रहा है -20.0 और along x axis ही वो मूव हुआ है। कोऑर्डिनेट से भी पता लग रहा है, इसको मैं 0 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए x y z axis के along। तो सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूवमेंट हुआ है, मैंने माना x axis पे मूवमेंट हुआ है, ठीक। ये पहला कोऑर्डिनेट इसका क्या था, पहला कोऑर्डिनेट ये 0 से गया था, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था इसके कोऑर्डिनेट कैसे थे, ये 0 0 0 से गया था 20 0 0 पर, और फाइनल कोऑर्डिनेट किस क्या क्या थे इसके, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट बेटा ये नहीं रहेंगे, इनिशियल कोऑर्डिनेट ये रहेंगे 0 0 0, ठीक है ना। इससे ये गया कोऑर्डिनेट 20 0 0 पर और फाइनल कोऑर्डिनेट उसके थे -20 0 0, उससे बोला फाइनल डिस्टेंस कितनी कवर करी और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखो वो 0 पर था, 0 से गया +20 पर, करेक्ट है, और उसके बाद -20 पे अंत हुआ, इसका मतलब पलटा होगा, ये प्लस है तो ये वाली डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, तो ये +20 गया, इसके बाद पलटा 0 पे आया और ये फिर -20 तक गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 20 गया, 20 आया और फिर 20 पीछे गया, तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया 60 जो कवर किया। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हुआ, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस होगा तो हरदम पॉजिटिव होगा, जीरो भी हो सकता है यदि कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ -20, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट है -20, इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो कितना हो जाएगा -20, आप चाहो तो आई कैप लिख दो यदि आप एक्स एक्सिस के अलोंग बोल रहे हो तो। ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल पे आते हैं, तीसरे सवाल में उसने क्या किया, ये बोला है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, यदि ये तीन पाथ कवर करे, आपको पता है P और Q है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही होता है ना, बकवास सवाल था ना। इधर से एक आदमी है जो कि 0 से बिगिन हुआ, 4 मीटर ईस्ट गया, फिर 3 मीटर गया वो नॉर्थ और उसके बाद ऊपर की ओर गया, मतलब अप द पोल, पोल पे चढ़ गया, इसके बाद पोल पे चढ़ गया, मतलब ईस्ट गया, नॉर्थ गया और फिर खंबे के ऊपर चढ़ गया जो कि 12 मीटर लंबा था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप जो है वो फॉर्मूला लगाओ, x2² - x1² + y2² - y1² + z2² - z1² का अंडर रूट, इससे आपका फाइनल जो है आंसर आ जाना चाहिए। ये आपने 10th में भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे मूवमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली इसके अलोंग आप डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हो।
तो एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर, जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर। तो आपको पता है एक्स वन वाई वन और जेड वन की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियल पोजिशन तो जीरो है, जीरो 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 कोऑर्डिनेट है। क्लियर बेटा? हम इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते थे, पर फिलहाल अभी आपको मैं बताता हूँ कि वेक्टर्स के द्वारा जब तीन कोऑर्डिनेट में मूवमेंट होता है तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर द्वारा कैसे अपन इसको निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला आपने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 9 25 प्लस 144 169 का अंडर रूट 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। सवाल क्या था समझ लो, 000 कोऑर्डिनेट पे था, 4 मीटर गया एक्स एक्सिस पे मान लो, वाई एक्सिस पे गया 3 मीटर और जेड एक्सिस पे गया कितना 12 मीटर। अब उसने बताया ईस्ट नॉर्थ और अपवर्ड और पोल पे चढ़ गया, तो मैंने उसको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में आपको बता करके सवाल को खत्म कर दिया। ठीक है, आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब सुनो, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं इधर क्या है, एक और नया सवाल। इसमें 40-50 मीटर ये गया टुवर्ड्स नॉर्थ, 40 मीटर गया टुवर्ड्स ईस्ट और 20 मीटर गया टुवर्ड्स साउथ। नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है। भाई नेट डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम दूरी होती है, तो ये वाली दूरी होगी नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सोचा जाए तो कैसे इसको हमको निकालना है, ये वाला निकालना है। हमको ये पता है ये कितना है और हमको ये भी पता है ये कितना है, क्योंकि 50 ऊपर गया था और ये 20 नीचे आया, मतलब ये 30 और ये 40 मतलब ये 50, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 50। अब डायरेक्शन भी कोई पूछ ले तो ये 3 ये 5 मतलब 37 डिग्री का एंगल हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ये यदि थीटा है, ये 3 ये 4 ये 5 37 डिग्री के लिए होता है। ये आपने थीटा लिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 30/43/4 हो गया ना बेटा, तो ये 37 डिग्री हो गया। अब 37 डिग्री क्या है, ईस्ट के नॉर्थ में, 37 डिग्री ईस्ट के नॉर्थ में। यदि आप पहले सवाल देखते तो एक सवाल में मैंने आपको इधर बताया था ईस्ट के साउथ में था ये और ऊपर ईस्ट के नॉर्थ में, ईस्ट में जा रहे हैं और एंगल कहां जा रहा है, ईस्ट के नॉर्थ में जा रहा है। इधर एंगल कहां रहा है, ईस्ट के साउथ में आ रहा है। ठीक है ना, सो ईस्ट के साउथ में हो गया ये। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ में, ईस्ट के नॉर्थ में, ईस्ट के नॉर्थ में 37 डिग्री डिस्प्लेसमेंट 50। आई होप सो दिस इज क्लियर। ठीक है ना, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम इधर एक क्यूब ले लेते हैं बेटा। क्यूब की लेंथ उसने 10 मीटर दी है और उसने ये पूछा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हैंगा। तो हम आसानी के साथ इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जब तक आप सवाल को घूरो, मैं ये साइड मिटा देता हूं, जब तक साइड सूखेगी तब तक हम वो सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, यहां पर यदि देखा जाए तो बॉडी डायगोनल निकालना है। बॉडी डायगोनल निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा क्यूब बना लिया रिलेटिवली, ये है भाई बॉडी डायगोनल। ठीक है ना, अब ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस यदि मुझे निकालना है तो ये वाली और ये वाली पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए तो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा। ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट 2 × 10 है, क्योंकि ये 10 है ये 10 है, तो ये 2 × √10 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, अब इस वाली डिस्टेंस को देखो, ये अंडर रूट 2 × 10 है और ये कितनी है 10 है, तो ये वाली बॉडी डायगोनल कितनी हो जाएगी। वैसे तो आपको पता है बॉडी डायगोनल अंडर रूट 3a होता है क्यूब में, ये फेस डायगोनल अंडर रूट 2a होता है यदि a एज लेंथ है, बॉडी डायगोनल अंडर रूट 3a होता है। तो आप डायरेक्टली कर सकते थे अंडर रूट 3 × 10, इधर मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 × 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 हो जाएगा 200 और ये 300 का अंडर रूट 3 × 10 आ जाएगा। ये सवाल भी आपका हो गया सॉल्व। ठीक, इस वाले सवाल को देखा जाए, ये इंसेक्ट कुछ इस तरीके से क्रॉल हुआ है और ये जो हाइट है इसकी, ये है 12 मीटर। ठीक है बेटा,
ये जो है, ये है 5 मीटर, वो पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यदि मैं कोन देखूं, तो मैंने एक कोन बनाया हुआ है, ये देखो आप, कुछ इस तरीके से कोन बना हुआ है, ठीक है मैडम। अब ये कैसे जा रहा है, ये कोन में कुछ ट्रेवल कर रहा है ना, कुछ यू अंदर की तरफ, कुछ जैसे इधर था, इसकी एक एज पे था, ऐसा चलता हुआ इधर की ओर चला गया, ऐसा था कुछ इधर की ओर यू करके चला गया इंसेक्ट, क्रॉल करता हुआ कुछ चला गया इंसेक्ट, ठीक है ना। हवा में तो खैर क्रॉल नहीं किया है, लेकिन इसमें देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर जैसे भी गया हो, कुछ इंसेक्ट यू गया और उसके बाद फिर इसके ऊपर ऐसे करके चला गया सीधा, ठीक है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यदि नेट डिस्प्लेसमेंट देखूं बेटा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहां से, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन तो ये और फाइनल पोजीशन ये, तो मुझे कुल मिलाकर के इस कोन की जो ये आउटर सरफेस का डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो निकाल लेना है। और वो डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है 5, और अंदर घुसे तो डिस्टेंस कितना है 12। तो आप यदि पाइथागोरस लगा दोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 का अंडर रूट 13, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 13। आई सपोज दैट ये सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल और बनाता हूँ, तब तक इसको पॉज करता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस दिस सवाल। इस सवाल में वो ये बोलता है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ए से बी में, और ये जो पाथ इसने फॉलो करा है, ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, एक चौथाई पार्ट है, ठीक है। सर्कल कुछ 10, बड़ा सा कुछ सर्कल होगा, है ना, परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना पाया, लेकिन आप समझ जाना, एक सर्कल का ये एक चौथाई भाग है, ये एक चौथाई भाग है, ठीक है ना। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ऑब्वियसली यदि पूरा सर्कल ट्रेवल करता तो डिस्टेंस कितना होता बेटा, यदि पूरा सर्कल ट्रेवल करता तो डिस्टेंस होता 2πr/4, विच इज πr/2 होता, करेक्ट है बेटा। तो डिस्टेंस तो ट्रेवल किया πr/2, यदि पूरा सर्कल ट्रेवल करता तो कितना होता 2πr, लेकिन उसका एक चौथाई ट्रेवल किया तो इसका πr/2 हो गया, ठीक है बेटा। अब आया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। अब ये रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, ये 10 हो गया, तो 10 और 10 तो ये कितना हो जाएगा 10√10, और इसका एंगल भी पूछा है उसने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल क्या है विथ एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एक्स एक्सिस के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल कितना है, यदि इसको आप थीटा मानो तो 10/10 10θ कितना हो गया, 10θ = 10/10 = 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 45 degrees, ठीक है। चलो तो ये एक सवाल हो गया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना था 10√2, डिस्टेंस कितना था πr/2, और थीटा क्या है एक्स एक्सिस साथ में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो थीटा है एक्स एक्सिस साथ में वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 37 degrees, ठीक है बेटा। खैर अब इतनी बात आपको क्लियर है, तो हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो अब इधर देखो, यहां पर देखो तो ये आदमी जो है इधर से गया 80 मीटर ईस्ट, और 80 मीटर ईस्ट जाकर के इसने टुवर्ड्स राइट 143 डिग्री का टर्न मारा और 50 मीटर तक आगे बढ़ा, ठीक है। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, अब ये इनिशियल पोजीशन है, ये भाई फाइनल पोजीशन है, तो ये हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट, इसको हमको पता लगाना है। अच्छा ये कितना एंगल हो गया, ये 143 डिग्री टर्न लिया, तो ये एंगल यदि इतना वाला 90 है तो ये 53 हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा, तो ये 37 डिग्री हो गया, ये 37 डिग्री का एंगल, क्योंकि 90 था ना बेटा इतना, ये साइन 37 यदि आप लगाओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 50 है तो ये 30 आ जाएगी और ये 40 आ जाएगी, साइन 37 कितना होगा, दिस बाई दिस, सो इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो, सो वी विल से साइन 37 3/5, साइन 37 इज इक्वल्स टू 3/5 इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये डिस्टेंस x मानो अपॉन 50,
5 ने मारा 50 को 10 बार, 30, तो ये आ गई 30। इसी प्रकार यदि आप cos 37 लगाओगे तो वो 4/5 आती है। ये वाला ट्राइंगल याद करो, ये 3, ये 4 और ये 5, तो cos 37 4/5 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना हुआ, x बटे 50 10 बार और 4 40 बार, तो ये 40 हो गया। तो ये 30, तो ये 40, ये 80 है, ये 40 है, तो ये कितनी हो गई 40, ये कितनी हुई 30 हुई। तो ये सब साइड बराबर हो गई, ये साइड, ये साइड, ये साइड कॉमन है, मतलब ये साइड बराबर हो जाएगी, मतलब ये 50 हो जाएगी। यदि आपने कभी ट्राइंगल के रूल्स पढ़े होंगे 10th क्लास में तो आप समझ गए होंगे। तो ये साइड कितनी होगी, 50 हो जाएगी, एंगल कितना हुआ 37 डिग्री हो जाएगा। कॉमन साइड्स थी ना बेटा, और एंगल भी बराबर थे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, समझ रहे हो बात को, और दो साइड भी क्या थी, बराबर थी, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, ये भी 50 हो जाएगी, करेक्ट है। तो वी विल हैव दिस, ये 50 हो गया, और ये 50 क्या है, दिस 50 इज 50 डिस्प्लेसमेंट है, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है ईस्ट ऑफ साउथ, या फिर 53 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा नॉर्थ साउथ ऑफ ईस्ट, या बोलो 53 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है साउथ ऑफ ईस्ट में, साउथ के ईस्ट में 53 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर का, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, इस सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल बोलता है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि चल रहा है कुछ इस तरीके से, और हर 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री का टर्न लेता है। जैसे वो यूं आ रहा था बेटा, यूं आ रहा था, 60 डिग्री का उसने टर्न ले लिया, तो 60 डिग्री का टर्न उसने क्या किया, ऐसे चला जाता लेकिन उसने 60 डिग्री का टर्न इधर ले लिया। अब यदि उसने 60 डिग्री का टर्न मान लो इस डायरेक्शन में लिया, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 60 डिग्री बेटा। यदि ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये कितने डिग्री आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू, यदि देखें तो नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है फिलहाल, तो इससे तो नहीं बता सकते कितना डिग्री, ये कितना डिग्री है, ये हुआ 60 डिग्री, और राइट एंगल ट्राइंगल यदि मैं लेता तो यूं जा रहा है, ये राइट एंगल तो है नहीं, तो ये हुआ 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, ये क्या है टोटल, दिस इज अगेन, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस एंगल एंड वी विल हैव दिस एंगल, है ना, तो ये यूं चला जाता। कुछ डायग्राम की गड़बड़ी होगी शायद, डायग्राम उतना सुंदर नहीं बना हुआ है, मैं एक मिनट एक सेकंड के लिए सोच लेता हूँ इसको और आपसे बात करता हूँ, एक सेकंड ही लगेगा बस इसको करने में। ये बात तय है कि ये यूं जा रहा था, सीधा जाता, पर ये सीधा ना जा करके मुड़ गया, तो ये 60 डिग्री से यूं मुड़ा, ठीक है, ये 60 डिग्री से यदि यहाँ पर मुड़ा है तो इसका एंगल हमें कौन सा चाहिए, खैर ये 500 है, ये 500 है, मैं यदि ये दूरी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, निकालते हैं, ये इधर जा रहा था और ये भी यूं जाता, ये भी मुड़ा, ये यूं ले ले, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हाँ इससे आ सकता है, ये एंगल कितना है बेटा, ये ऐसे जा रहा था और यूं मुड़ गया, मतलब ये 60 डिग्री, मतलब ये 60 तो ये 60 तो ये 30, ये 90 तो ये 60, चेक, देखो ये यूं जा रहा था, ये यूं जा रहा था और ये 60 पे मुड़ गया, मतलब ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री का, मतलब ये एंगल कितना आया 60 डिग्री का, देखो अपोजिट एंगल जो है ये 60 का हुआ, ये 60 का हुआ तो ये कितने का हुआ 30 का हुआ, यदि ये एंगल 30 का है, ये 90 का है, तो ये 60 का है, आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cos 60 इज इक्वल टू दिस साइड x अपॉन दिस साइड, सो x बटे 500, और cos 60 कितना होता है हाफ इज इक्वल टू x बाय 500, सो x बराबर कितना हो गया 250, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 250, ये भी सेम है तो 250, और ये कितनी है 500, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 500, और ये कितनी है 250, तो इधर से लेके इधर तक की जो दूरी आई वो आई 1000 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यदि किसी ने ये पूछा कि थर्ड टर्न पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है थर्ड टर्न तक, तो 1000 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है बताओ थर्ड टर्न पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 1000 मीटर का, सिक्स्थ टर्न पे कितना डिस्प्लेसमेंट है 0 का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा, इधर फर्स्ट टर्न पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो फर्स्ट टर्न तो बिल्कुल सीधे ही है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो 500 मीटर का डिस्टेंस और 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब वो इधर भी पूछ सकता है कि यहां पर 8th टर्न पर ये फर्स्ट या 7th टर्न है,
और ये सेकंड या एट्थ टर्न है, क्योंकि बेटा ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, इसी को जीरो माना था पहले अपन ने, फिर ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये दसवां, ये ग्यारहवां, ये बात समझ रहे बात को। तो इसके बाद में वो ये वाला पूछ सकता है कि ये वाले पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगेन इसको निकालना कोई मतलब मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए एज सच। यदि इस डायग्राम को मैं कुछ यूं करके बना लूं और मुझे चाहिए ये वाली दूरी, ठीक है बेटा, मुझे चाहिए ये वाली दूरी। अब मुझे एक बात पता है कि ऐसा जा रहा था, अच्छा खासा ऐसा जा रहा था, और ये 60 डिग्री से टर्न हो गया, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। यदि ये एंगल 60 तो ये एंगल 60 तो ये एंगल 30, ये एंगल 30 तो ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा? ये लेकिन मुझे एंगल चाहिए कौन सा? मुझे एंगल चाहिए ये और ये, क्योंकि ये वाला चाहिए। यदि ये दो वेक्टर को मैं सम कर दूं तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, ये यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, और ये आ जाएगा मेरे पास। एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर विल रिजल्ट इन दिस वेक्टर। अब इनके बीच का एंगल यदि मैं निकाल लूं कि इनके बीच का एंगल क्या है, तो मेरा काम बन जाएगा। अब इनके बीच का एंगल कैसे निकालूं? ये ऐसा जा रहा था, ठीक है बेटा, ये यूं जा रहा था, और ये क्या हुआ? यूं टर्न हो गया। अब सोचो तुम, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा? बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की टेल ये और इस वेक्टर की टेल ये, 60 डिग्री से टर्न हुआ तो ये 60 हो गया ना बेटा। तो एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यदि ये दो एंगल, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर में आप पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट। अब कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 हाफ होता है, हाफ दो को मार देगा तो ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, 2 हाफ से कट जाएगा तो 500 × 500, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500 अंडर रूट 3। तो जो डिस्प्लेसमेंट एट्थ वाले पे होगा वो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट एट्थ वाले होगा 500 अंडर रूट 3। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो बेटा बहुत सरल है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला आ जाएगा, दी एडिशन करेंगे इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। और इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। ये कैसे देखा? एंगल इज सीन बिटवीन द टू टेल और द हेड ऑफ द वेक्टर, तो ये 60 डिग्री से ही तो टर्न हुआ था, सीधा सीधा एंगल हमको पता लग गया था, 60 डिग्री का एंगल था, तो इस तरीके से आपका ये 500 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इतने सारे सवाल आपने कर लिए, एक दो सवाल मैं आपको और कराता हूं, तब तक मैं इसको पॉज करता हूं, फिर मैं सवाल ड्रॉ। ओके बेटा, तो ये एक सवाल है। इस सवाल में बोलता है कि एक आदमी है, वो ट्रेवल कर रहा है 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, और फिर उसके बाद में 30 अंडर रूट टू साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? जब कोई लिख दे साउथ ईस्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ईस्ट है और ये साउथ है, इसके ठीक बीच से एंगल जा रहा है, समझ बात को। या तो वो डिग्री बताएगा, और डिग्री नहीं बताए तो मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ठीक बीच से जा रहा है, मतलब ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45, करेक्ट है बेटा। तो ये गया 30, ये गया 20 और ये गया 30 अंडर रूट 2, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यदि मैं अब ये निकालूं कि ये वाली दूरियां कितनी है, तो मुझे पता लग जाएगा ये 30 अंडर रूट 2 है और ये कितना है? ये है 45। तो अब कुछ भी रख ले बेटा, साइन 45 रख ले, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो ये भी 30 आ जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा। देखो बहुत सरल ना, तुम यदि रखोगे साइन 45, तो साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2 आएगा बेटा, और जो कि होगा x अपॉन 30 अंडर रूट 2, सो x अपॉन 30 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 ने मारा, अंडर रूट 2 x बराबर 30 आ जाएगा। अच्छा cos 45 भी क्या होता है? वो भी y बाई अंडर रूट 2 होता है, तो वो भी 30 आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये 30 मीटर ऊपर गया फिर 20 गया, 30 मीटर नीचे आया और 30 मीटर फिर ईस्ट में गया, तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? ये 20 और ये 30, सो 20 प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 50 टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो भी ट्रेवल था वो तो खत्म ही हो गया, 30 मीटर नीचे भी आ गया ना बच्चे, तो इसलिए 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, आई सपोज दैट बात क्लियर है। अब एक ड्रंकन ड्राइवर है, वो बड़ा फेमस सवाल है, जो कि एक स्टेप लेता है एक सेकंड में और एक मीटर का स्टेप लेता है, मतलब ईच स्टेप
ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकेंड। अच्छा, और वो क्या कर रहा है, चूंकि पीए हुए है तो 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे जाता है, और 13 मीटर दूर जाकर के एक गड्ढा है। तो बोल रहा है कि गड्ढे में कितनी देर में जाके ड्राइवर गिरेगा। कुल मिला के ऐसा है कि 5 मीटर आगे जा रहा है, 3 मीटर पीछे आ रहा है, तो ये ट्रेवल कितना कर रहा है। एक्चुअली ये जो है 8 सेकंड में, क्योंकि 5 सेकंड लगे 5 मीटर आगे जाने में और 3 सेकंड लगे पीछे आने में, 8 सेकंड में मात्र इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ वो हुआ 2 मीटर का, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसको गिरने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो जाना है ना। तो द थिंग इज दैट कि 2 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, कितनी देर में, 8 सेकंड में। लेकिन एक नोट करने लायक बात है कि आखिरी के 5 सेकंड में जो वो ट्रेवल करेगा वो 5 सेकंड, आखिरी के 5 सेकंड में जो वो ट्रेवल करेगा वो 5 मीटर ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी के 5 सेकंड में जब वो ट्रेवल करेगा तो लौट के नहीं आएगा, गड्ढे में गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गणित है कि 2 मीटर ट्रेवल करता है या 2 स्टेप आगे ट्रेवल करता है या 2 मीटर ट्रेवल करता है, क्योंकि हर स्टेप 1 मीटर का है, इन 2 सेकंड्स, सॉरी, हाँ, 2 मीटर ट्रेवल करता है इन 8 सेकंड, 2 मीटर इन 8 सेकंड। बात समझ में आई ना बेटा, क्योंकि 5 आगे गया 3 पीछे आया तो 8 सेकंड लग गया उसको। परंतु इस दौरान उसने भले 8 स्टेप लिए लेकिन अल्टीमेटली गड्ढे की तरफ 2 ही स्टेप लिए, तो 2 मीटर ही आगे बढ़ा। इतनी बात क्लियर है? सवाल में गलती क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा ये कर सकता है 2 मीटर 8 सेकंड में, तो 1 मीटर 4 सेकंड में, तो 13 मीटर 4 × 13 बराबर 52 सेकंड। अब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आखिरी के 5 मीटर जब वो ट्रेवल करेगा बेटा, तो आखिरी के 5 मीटर जो वो ट्रेवल करने वाला है उसमें वो वापस लौट के नहीं आएगा। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस गणित के द्वारा जो वो ट्रेवल करेगा, इस यूनिटरी मेथड के द्वारा जो वो ट्रेवल करेगा, वो कितना ट्रेवल करेगा? 8 मीटर उसको ट्रेवल करना है बस। आखिरी के 5 मीटर तो वो 5 सेकंड में ट्रेवल करने वाला है, ये बात तय है, क्योंकि लौट के नहीं आएगा। गड्ढे में गिर गया फिर तो लौट के आएगा। तो इसका मतलब आपको कहानी निकालनी है यूनिटरी मेथड द्वारा सिर्फ 8 मीटर की, तो 2 मीटर 8 सेकंड में, तो 1 मीटर 4 सेकंड में, तो 8 मीटर कितने सेकंड में? 8 मीटर हो जाएगा 8 × 4 बराबर 32 सेकंड, और बचे 5 सेकंड और, तो उसमें जाके वो गिर जाएगा गड्ढे में। सो इट इज 37 सेकंड। एक और सवाल इस पे जल्दी से बता देता हूँ जैसे ही कंसेप्ट आपका क्लियर है। जैसे मान लो वो 10 मीटर आगे जाता था और 4 मीटर पीछे आता था, समझ रहे हो? और यहाँ पर मैंने माना कि 20 मीटर दूरी पे गड्ढा था, करेक्ट है? तो बताओ कि वो कितनी देरी में जाकर के गड्ढे में गिर जाएगा। तो कुल मिलाकर वो 10 मीटर आगे जा रहा है, तो आखिरी के 10 मीटर वो कितने सेकंड में ट्रेवल करेगा? 10 सेकंड में ट्रेवल करेगा, ठीक है ना? आखिरी के 10 मीटर कितने सेकंड में ट्रेवल करेगा? 10 सेकंड में ट्रेवल करेगा। अच्छा, अभी कितना ट्रेवल कर रहा है वो? अभी 14 मीटर ट्रेवल करता है वो कितने सेकंड, 14 सेकंड में, है ना? लेकिन अल्टीमेटली उसने कितना किया? 10 आगे या पीछे, मतलब 6 मीटर ट्रेवल किया कितने सेकंड में? 14 सेकंड में। उसको टोटल कितने मीटर ट्रेवल करना है? 10 मीटर ट्रेवल करना है। तो 1 मीटर ट्रेवल कितने सेकंड में करेगा? 1 मीटर ट्रेवल करेगा 14/6 सेकंड में, करेक्ट है? 6 मीटर 14 सेकंड में, तो 1 मीटर 14/6 में। उसको इस मेथड द्वारा कितने मीटर करने हैं? 10 मीटर। तो 10 मीटर कितने में करेगा? 14/6 × 10, ये 3 से 2 बार और ये 5 बार, 70, ये हो गया 35। यदि गणित गलत ना हो गया मुझसे तो ये, हाँ गलत, गणित गलत हो गया, ये 3 आ गया और 14/70, 70/3 + 10 जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80/3 विल बी द आंसर, जिसमें वो गड्ढे में जाके गिर जाएगा। कुल मिलाकर के क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ लो कि आखिरी के 10 मीटर 10 सेकंड में ट्रेवल करेगा, तो आखिरी के 10 मीटर 10 सेकंड में। अच्छा, उससे पहले 10 मीटर आगे जाता है, 4 मीटर पीछे आता है, मतलब टोटल 6 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है और सेकंड लग रहे हैं 14। तो 6 मीटर में 14 सेकंड, तो 1 मीटर में 14/6, तो 10 मीटर में 14/6 × 10, ये गणित आ गया। और आखिरी के 10 मीटर तो 10 सेकंड में वो ट्रेवल करेगा। तो इस सवाल में आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
आई सपोज दैट आपको बातें समझ में आई होंगी। मेरे को जितने सवाल याद आए मैंने उतने सवाल करवा दिए, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा। पहली क्लास थी इसलिए एक लेवल तक ही मैंने आपको पढ़ाया है। यदि कोई प्रॉब्लम, यदि कोई गलती हो या कुछ हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय, टाटा, सी यू।